अपराधी आत्मा बंधता है और मेरा अपराधी छूटता है, छूटना तो है ही क्यों बना हुआ है अनाधिकार से, अर्थात अपराधी है सदा से। जब मेरा अपराध होता है तो छूटता है, मेरा अपराध कैसे होता है इसकी चर्चा है। आठ प्रकार के निरपराध होने की बताए, ये स्वयं अपराध है इसलिए उनसे आत्मा निरपराध नहीं होता। अपराध जिस विधि से उत्पन्न होता है उससे विपरीत विधि से आत्मा निरपराध होता है। अपराध होता है आत्मा से थोड़ा ही दूर जाने पर अपराध उत्पन्न होता है, तो आत्मा के अत्यंत नजदीक रहने पर निरपराध दशा का प्रारंभ होता है। और आत्मा में पूरी तरह निकट हो जाए, पूरी तरह आत्मा के नजदीक हो जाए, तो एक भी वृत्ति आत्मा से दूर ना रहे तो वो आत्मा पूर्ण निरपराध पूर्ण मुक्त हो जाए। लोक में और शास्त्र में कहे जाने वाले जो निरपराध के अथवा निरपराध होने के जो आठ प्रकार हैं उनके संबंध में कहते हैं आचार्य, वे भले ही किसी कारण से उनको निरपराध होने का उपाय कहा गया हो लेकिन वे स्वयं अपराध होने से निष्पन्न हैं, और उनको छोड़ना निरपराध होने का उपाय है और वो अमृत कुंभ है। आठ प्रकार शुद्ध होने के बताए, स्वयं अशुद्धता होने से शुद्ध होने के उपाय नहीं हो सकते, इसलिए उनको छोड़ना शुद्ध होने का उपाय है। वो जो शुद्धि है उस शुद्धि का अभाव करना ये शुद्ध होने का उपाय है, उस शुद्धि के अभाव का नाम अशुद्धि है। जो अशुद्धि है वो वास्तविक शुद्धि है, वो शुद्धि है ना प्रतिक्रमण। रात को दोष हुआ हो तो प्रातः काल उनका प्रायश्चित करना, मेरे से रात को ऐसे दोष हुए। दिन में कोई दोष हुआ हो संध्या को उसका प्रायश्चित करना, तो मेरे ये दोष मिथ्या हो। इस तरह एक दिन का, एक महीने का, छह महीने का, वर्ष भर का इत्यादि ये सब होता है, तो मेरे ये दोष मिथ्या है, मैंने वह काम बहुत बुरा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो एक तो वो काम किया वो अपराध, वो काम मुझे नहीं करना चाहिए था, ये उससे विपरीत हुआ नहीं, तो काम किया काम में प्रवृत्ति हुई तो वो तो अपराध था, तो पाप था, और वो पाप मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने वो बहुत बुरा किया, ये जो परिणाम है ये उससे विपरीत है। वो परिणाम अगर अशुद्ध है तो ये परिणाम शुद्ध हुआ, लेकिन ये काम वो काम मुझे नहीं करना चाहिए इतने मात्र से शुद्धि नहीं होती, इसलिए इसको भी छोड़ने का नाम शुद्धि है। इस शुद्धि को छोड़ने का नाम अशुद्धि, शुद्धि है। जो शुद्धि के अभाव में क्या होती है अशुद्धि, उस अशुद्धि का नाम मोक्ष है। शुद्धि आज प्रकार बताएंगे उनको पढ़ लो। प्रतिक्रमण कृत दोषों का निराकरण, कृत दोषों का निराकरण, मेरे वे दोष मिथ्या हों, ऐसा ऐसा प्रायश्चित
भीतर ही भीतर कल्पना, भीतर ही भीतर ऐसा लगना कि मैंने बहुत बड़ा धोखा भी किया, बहुत छोटा काम मैंने किया, ऐसा परिणाम भी हुआ, तो उसको कहते हैं कृत दोषों का निराकरण। लेकिन यह दोष निराकृत नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस विधि में प्रवर्तमान नहीं हुआ, ये तो इसने विकल्प किया केवल कि मेरे में दोष मिथ्या हो, मुझे वो काम नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़ा कर्म था, वो मेरे लायक नहीं था, मेरे करने लायक नहीं था वो, ऐसा विचार किया, ऐसा विकल्प किया। लेकिन वो तद्रूप जो उसकी सत्ता है निर्दोष और निरपराध पवित्र सत्ता है, उस पवित्र सत्ता के दर्शन में परिणति हो तो निरपराध हुआ। तो मेरे में दोष मिथ्या हो, मैंने बड़ा कुकर्म किया, ये शुद्ध होने का उपाय उसकी अपेक्षा से शुद्ध है। वो कुकर्म किया, उस कुकर्म की अपेक्षा तो ये शुद्ध है, क्यों तो अशुद्ध है ना, वो पाप किया तो पाप तो अशुद्ध है ना। तो मेरा वो पाप मिथ्या हो, ये जो परिणाम है ये परिणाम शुभ है, तो उसकी अपेक्षा तो शुद्ध है ये। लेकिन यह शुद्ध नहीं हुआ, ये उसका वो दोष मिथ्या नहीं हुआ। मिथ्या तो तब होगी जब वो तद्रूप परिणाम करे। बालक जिस पिता को कहे कि पापा मैंने बहुत बुरा काम किया, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, हो गया इसमें काम हो गया था। अच्छा, वो जो उल्लंघन किया उससे तो ये भाव अच्छा है ना। पिता भी अनुभव करता है कि लड़का सुधार पर है, लेकिन वो ना करे अर्थात अच्छे में प्रवर्तन करे, नहीं करना खाली नहीं करने का नहीं है, लेकिन वो अच्छे में प्रवर्तन करे, वो वास्तव में निरपराध है। व्यक्ति वहाँ उसने अपराध छोड़ा, तो मैं नहीं करूँगा, मैंने बुरा किया इत्यादि, ये उसकी अपेक्षा तो अच्छा है किया, उसकी अपेक्षा तो अच्छा है नहीं करने की बात, लेकिन नहीं करना, मैंने जो करना है वास्तव में उसमें प्रवृत्त होना, वो है निरपराध होने का उपाय, निर्दोष होने का उपाय। विद्यार्थी जैसे अध्यापक से कहे कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं काम करके नहीं लाया, मैं भविष्य में आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, वो हो गया काम। दूसरे दिन फिर काम दिया, नहीं करके लाया, तो मैं आपकी आज्ञा में प्रवर्तमान रहूंगा तो वो काम करेगा, उसका नाम हुआ ना निरपराध, या उससे हो गया निरपराध कि मैं नहीं करूँगा, आप नहीं करूँगा, मैंने बहुत बुरा किया, हो गया निरपराध। तो वो जो अपराध किया था उससे भी अच्छा है, तो अध्यापक भी महसूस करता है कि रास्ते पर है, ये तो नहीं महसूस करता कि ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, ये कैसे काम करके लाएगा तब ठीक होगा, लेकिन कुछ ठीक होने के रास्ते पर है। इस तरह ये प्रतिक्रमण करने वाला ये ठीक होने के रास्ते पर तब है कि जब वो केवल इतने मात्र से संतुष्ट ना हो पर वो कार्य से संतुष्ट हो, अर्थात उसका जो ध्येय है, उसका जो लक्ष्य है वो तो कार्य हो, ये विकल्प ये उसका काम ना हो, ये उसका उद्देश्य ना हो, तो कहते दिया है मिथ्या हो सब, फिर और इससे ज्यादा क्या करें, कहते दिया कि बहुत बुरा किया मैंने, तो इससे ज्यादा और क्या करूँ, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ। इस पर ये आठ प्रकार के जो प्रतिक्रमण आदि हैं, इनसे कुछ भी नहीं हुआ, ये करते हुए शुद्धात्मा के साथ तद्रूप परिणाम का उद्देश्य है, तो फिर इनको अमृत कुंभ कहते हैं शास्त्र में। लेकिन सचमुच तो ये विषकुंभ है, क्योंकि जैसे वो अपराध, जैसे अपराध का विकल्प उसी तरह अपराध छोड़ने का विकल्प, निरपराध होना कोई दूसरी बात, वो कोई तीसरी बात निरपराध। तो प्रतिक्रमण मैंने कृत दोषों का निराकरण, प्रतिकरण सम्यक्त्वाद गुणों में प्रेरणा, परिहार मिथ्या तो राग आदि दोषों का निवारण, धारणा इनके बिना वो नहीं होगा, ये तो होना ही होना है। किसी भी अपराध के प्रति पश्चाताप का भाव न आवे तो अपराध नहीं छूटे, अपराध का प्रत्याख्यान न करे भविष्य में नहीं करूंगा तो भी अपराध नहीं छूटेगा। इस तरह ये विकल्प, आठ प्रकार का विकल्प तो सुविकल्प तो होना ही चाहिए, लेकिन हो
रहना चाहिए कार्य के लक्ष्य से। कार्य नहीं आपने शुद्धात्मा बोले परिहार मिथ्यात्व रागादि दोषों का निवारण धारणा पंच नमस्कार आदि मंत्र प्रतिमा इत्यादि वायु ग्रहों के आलम्बन द्वारा चित्त को स्थिर करना निवृत्ति वायु विषय कषाय आदि इच्छा में प्रवर्तमान चित्त को हटा लेना निंदा आत्म साक्षी पूर्वक दोषों का प्रकट करना गर्भा गुरु साक्षी से दोषों का प्रकट करना और शुद्धि दोष होने पर प्रायश्चित लेकर निशुद्धि करना दोष होने पर प्रायश्चित के लिए किसी भी प्रकार की शुद्धि करना कि आठ प्रकार के ठीक है। अब गाथा चला प्रतिक्रमण प्रतिकरण परिहार धारणा निवृत्ति निंदा गर्भा और शुद्धि ये आठ प्रकार का निष्कुंभ है क्योंकि इसमें कर्तृत्व की बुद्धि संबंधित है। क्या है इसमें कि आत्मा जो संपूर्ण रूप से ये आठ प्रकार के परिणामों से रहित शुद्ध और निर्मल ये जो शुभ परिणाम है इन शुभ परिणामों से रहित आत्मा अत्यंत पवित्र तत्व है। तो जो ये आठ प्रकार का कार्य करता है तो वहाँ पर कर्तृत्व की संभावना नहीं रहती। मैं करता हूँ मैं प्रतिक्रमण करता हूँ मैं प्रतिक्रमण करता हूँ मैं गर्भा करता हूँ निंदा करता हूँ मैं धारणा करता हूँ इत्यादि। अब अप्रतिक्रमण अप्रतिकरण अपरिहार अधारणा अनिवृत्ति अनिंदा अगर्भा और अशुद्धि यह अमृत कुंभ है क्योंकि इससे कर्तृत्व का निषेध है तो करना ही नहीं है इसलिए बंद में रुकाओ। अप्रतिक्रमण पाप का जो प्रायश्चित किया पुण्य भाव में पुण्य भाव का भी अर्थात पुण्य भाव प्रतिक्रमण का त्याग करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की निर्मल अवस्था रूप अप्रतिक्रमण है उसमें परिणति करना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं है प्रतिक्रमण का अभाव प्रतिक्रमण है क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं है ना। प्रतिक्रमण कहा ये दोषों का प्रायश्चित करना उनका निराकरण करें कि वे दोष मैंने मेरे वे दोष मिथ्या हूँ समय करने वाले लोग जानते हैं पढ़ते हैं समय मिथ्या में दुक्रम बहु मयम मेरे सब दोष मिथ्या है मेरे दोष मिथ्या होगी मिथ्या अनंत पाप की है तो मेरे वे दोष मिथ्या ऐसे मिथ्या हो जाते हैं। दोष कैसे हुए थे आत्मा से स्खलित हुआ था तो दोष हुए थे तो आत्मा से सट जाए तो निर्दोष होता तो मेरे दोष मिथ्या और इस तरह से मिथ्या नहीं होते। ये तो माफ कर दो साहब माफ कर दो उसने भी कह दिया माफ किया जाए हो गया ये माफ हो गया। निर्दोष जो रीति है उसमें परिणाम करे तो निर्दोष होता है। ये आठ प्रकार के प्रतिक्रमणादि जो पाप को छोड़ने रूप हैं और पुण्य को ग्रहण करने रूप हैं उन आठ प्रकार के प्रतिक्रमणादि के अभाव में होने वाले अप्रतिक्रमणादि वो मुख्य मार्ग है और वो मुख्य जो अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अपरिहार अधारणा अनिवृत्ति अनिंदा अगर्भा और अशुद्धि ये अमृत कुंभ है। अशुद्धि भी अमृत कुंभ शुद्धि अमृत कुंभ क्योंकि इससे कर्तृत्व का निषेध है करना ही नहीं है इसलिए बंद नहीं होता। ये आठ प्रकार हैं कर्म चेतना के प्रकार हैं और आत्मा संपूर्ण रूप से पाप और पुण्य की चेतना से रहित कर्म और कर्म फल चेतना से रहित
आत्मा सिर्फ ज्ञान चेतना मात्र अर्थात अकर्ता है, अकर्ता में संपूर्ण है, जिसमें करने का अवकाश थोड़ा भी नहीं है। कैसा है आत्मा? आत्मा को देखा जाए तो आत्मा कैसा है? कुछ अवकाश लगता है? आत्मा की सत्ता पर्याय उसमें भले ही बहुत कुछ करने का आग्रह रखती है, वो एक अलग बात, लेकिन वो आत्मा कैसा है? अनादि अनंत और संपूर्ण है ना। संपूर्ण जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को हमने ये दोषों का प्रायश्चित करके शुद्ध किया, ऐसा हो सकता है उस आत्मा को? ये विधान नहीं है। क्योंकि निर्दोष आत्म तत्व में निर्दोष व्यक्ति, मैं तो संपूर्ण रूप से पवित्र और निर्मल ही हूँ, जिसने ये परिणति की तो उसको अपवित्र काम पैदा नहीं होगा। ये मार्ग है वास्तविक, पवित्रता और अपवित्रता, पाप और पुण्य, दो तो अन्य प्रकार की आत्मा से भिन्न प्रकार की परिणतियाँ हैं, लेकिन आत्मा तो स्वयं सिद्ध पवित्रता है कि जिसमें अपवित्रता कभी होती ही नहीं है। जिसमें अपवित्रता नहीं होती तो उसको पवित्र करने का प्रयास अपवित्रता है, नहीं हुआ। क्या है वो आत्मा? वो पवित्र करने का प्रयत्न क्या है? अपवित्रता, इसलिए अपवित्रता अशुद्ध। ये जो पवित्र करने के आठ प्रकार हैं, अशुद्ध है, क्योंकि वो अशुद्ध होता नहीं। पवित्रता का संकेतन को महामंगलमय, एक अमृतमय चीज है वो पवित्रता का संकेतन। लोग में भी यही है, अगर पवित्रता को छोड़ना हो तो पुनः पुनः निरंतर अपनी पवित्रता का संकेतन करो, मैं तो पवित्र। हर पवित्रता के नाश का उपाय केवल एक है, पवित्रता। अपवित्रता का एक अविभाग प्रतिच्छेद भी रहेगा तो वह उस पवित्रता के संकेतन से नष्ट होगा, थोड़ा भी जरा सा भी रहेगा तो विरुद्ध होगा ना उसकी पवित्रता के विरुद्ध। तो पवित्रता का संकेतन निरंतर करेगा तो अपवित्रता अपने क्रम में नष्ट होती चली जाएगी। तो करना ही नहीं है इसलिए बंध नहीं होता, तो इसमें कर्तृत्व का संपूर्ण रूप से निषेध है। अप्रतिक्रमण अर्थात प्रतिक्रमण न करना, क्या अप्रतिक्रमण में प्रतिक्रमण न करना, प्रतिक्रमण को छोड़ना, प्रतिकरण को छोड़ना, परिहार को छोड़ना, क्या है ये छोड़ना? मैंने क्या छोड़ना? मैंने इनसे रहित अपनी सत्ता को मानना, इसका नाम छोड़ना। इसको भी छोड़ना भी कर्तृत्व में चला जाएगा, लेकिन मैं ये आठ प्रकार का नहीं हूं। इनसे विपरीत जो आठ प्रकार हैं वो तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन मैं ये आठ प्रकार का भी नहीं हूं। ये जो आठ कर्म हैं ये मेरे नहीं वास्तव में, क्योंकि इनको करके मैं पवित्र नहीं होता, क्योंकि मैं पवित्रतम हूं। इस तरह पवित्रतम सत्ता का जो अनुशीलन है, उसका जो संवेदन है, उसमें इन आठों का अभाव रहता है, वहां पर इनका जन्म नहीं होता। वो तो औपचारिकता है, अगर देखा जाए तो सच में बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ इसकी कुछ हुआ? जो ये कहता है उससे आशा की जाती है कि अब वह सत्कर्म में प्रवृत्ति करेगा, यही आशा की जाती है, या खाली कहने मात्र में संतोष कर लिया जाता नहीं किया जाता। तो ये तो अगर देखा जाए तो वो जो अप्रतिक्रमण रूप शुद्ध परिणति है, निर्मल परिणति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप, उसकी अपेक्षा ये कथन मात्र है। ये आठ प्रकार केवल कहने की बात है, कोई भी सुनेगा तो कहेगा अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर नहीं करेगा ना, नहीं करेगा मैंने कुछ करेगा ना, नहीं करेगा नहीं खाली नहीं करेगा मैंने
जो है बात वास्तविक उसमें प्रवृत्ति करेगा ना, उसमें प्रवृत्ति करेगा सक्रिय भाव पैदा होगा, अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा, होगा भाव पैदा होगा। रोज वो विद्यार्थी काम करके लाने लगा तो कभी अवसर आएगा साहब अब नहीं करूंगा, ऐसा अवसर आएगा, और ऐसा अगर वो करता है तो उसका माथा खराब है नहीं, तो उसमें ये ठान नहीं पाते हैं। जो निर्मल प्रवृत्ति है उसमें वे आठ प्रकार पाप के हैं वे तो स्थान पाते ही नहीं है, लेकिन ये पुण्य के आठ प्रकार भी उसमें स्थान नहीं पाते। तो काफी आगे गया ना अंदर ही नहीं गया, बातें मत करो काम करो, सारी बातों से तद्रूप आत्मा में तद्रूप वर्णन करो, बस ये चाहा जाता है, क्योंकि सुख वहां है अन्यत्र नहीं है। ये आठ प्रकार तो केवल विकल्प है, टीका प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण अप्रतिक्रमणादि है वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, इसलिए स्वयं अपराध रूप होने से विष्कुंभी है। अज्ञानी जन साधारण वो जो पाप रूप अप्रतिक्रमणादि है वे तो सारे संसारी जीवों में, सारी जीव राशि अधिकांश जीव राशि पाप है, पापमय पाप कृत्यों में लीन है, इसलिए उनको तो आत्मा के स्वभाव की संभावना है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पाप की प्रचुरता है वहाँ आत्मा के स्वभाव की उपलब्धि होती नहीं है। इसलिए शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव स्वभाव वाले हैं, ये तो एक नियम हो गया। यहाँ पाप परिणामों की प्रचुरता हो, विषय भोगों की, पांच इंद्रियों के विषयों की, इन्हीं इन्हीं का जहाँ पर निरंतर विकल्प और विचार चलता हो, और इसके विपरीत इनको छोड़ने का ये दुख है ऐसा विचार ही जानना आता हो, तो वहां तो हमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं। कौन कौन है भगत सिंह जी, क्या विचार करते हो, ये क्या है, ये जो भी बात है शुद्धात्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले कौन हो, क्या नाम है उस भाव का, मिथ्या तो क्या ऐसे रखा तुमने, कौन से भाव की बात है ये, पाप भाव। अज्ञानी जन साधारण, अज्ञानी जनों के लिए ये साधारण है, अज्ञानी जनों को स्वाभाविक ही जो होते हैं अनादिकाल से जो हो रहे हैं, शनि पंचेंद्री हो भले ही, शनि पंचेंद्री की छुट्टी नहीं है इसमें, एक इंद्रिय से लगाकर शनि पंचेंद्री तक जिन लोगों को केवल शरीर इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के संबंधी मैंने जगत केवल उन्हीं का विकल्प चलता हो, वहां तो शुद्धात्मा की सिद्धि होगी ही नहीं, क्योंकि ये परिणाम शुद्धात्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले, इन परिणामों का स्वभाव क्या है, ये शुद्धात्मा की सिद्धि होने ही नहीं देंगे, होगी ही नहीं पाप परिणामों में, तो पुण्य क्रिया में भी नहीं होगी, खाली पुण्य भाव हो तो हो सकती, पुण्य क्रिया में नहीं, जो क्रिया प्रधान है वो भी पापी है, क्योंकि क्रिया में संतोष करता हो, सवेरे से शाम तक 10-20 क्रिया कर ले और कहते मैंने पुण्य कर लिया, पापी है, नहीं किया पुण्य, पुण्य भाव होना चाहिए भीतर, कोई भाव का भी विकल्प कर लेता तो भाव मान लेता, क्या मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं दर्शन कर रहा हूँ, पुण्य भाव हो रहा है मेरे, उसको पुण्य भाव हो, नहीं करते लोग ऐसा, पहले तो करा था पुण्य, पहले तो पुण्य हो गया, मैं दर्शन कर रहा हूँ पुण्य भाव हो गया, ये मैं पुण्य भाव कर रहा हूँ, हो गया पुण्य भाव हो,
ऐसा बढ़ता है बस सहज विधि क्रिया है उसके अनुरूप परिणाम भीतर ही भीतर बिना विकल्प के वो स्वयं विकल्प होने पर भी तत्संबंधी विकल्प नहीं उसका नाम पुण्य भाव है। क्रिया प्रधान हो जो वो क्रिया प्रधान में जड़ एकदम जड़ पुद्गल जो क्रिया प्रधान हो वो क्रिया प्रधान कौन होता है। क्रिया प्रधान पुद्गल व्यवहारा भाषी क्या है जरा व्यवहारा भाषी पुण्य भाव वाला होता है। तो क्रिया प्रधान कौन है जगत में पुद्गल नहीं है। क्रिया किसमें होती है पुद्गल में होती है। क्रिया प्रधान तो पुद्गल है तो जिसको उस क्रिया का आग्रह है वो क्रिया प्रधान जड़ पुद्गल है वो जीव उसको शुभ भाव नहीं होगा क्योंकि वो क्रिया में मुग्ध है ये मानता है कि मेरे को कौन हो रहा है नहीं होता है। इसलिए स्वयं अपराध रूप होने से निष्कुंभ ही है इसलिए ये पाप रूप अप्रतिक्रमण आदि वे तो शुद्धात्मा की सिद्धि नहीं होने देते ऐसा उनका स्वभाव ही है इसलिए वे तो अपराध हैं ही और वे विष्कुंभ हैं जहर के घड़े हैं वे जहर के घड़े बन उनमें से जितना भी पात्र भरा जाएगा तो उसमें अमृत नहीं आएगा। पाप के परिणाम में से अगर कुछ भी लिया जाएगा तो वो विष ही विष है वो वहां पर अमृत बिल्कुल नहीं है इसलिए वो तो विष्कुंभ है उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है उनका क्या विचार है। ये तो मोक्ष अधिकार है मोक्ष अधिकार में हम पाप का क्या विचार है बल्कि जहां पर जैनत्व का प्रश्न हो तो वहां पाप का क्या विचार है पाप का क्या विचार करेगा ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है वहां पर रिश्वत की क्या बात की जाए और कानून की बात तो की जा सकती है लेकिन और कुछ बात की जा सकती है। ये जो वकील है वो कानून की बात तो करे लेकिन वो ये भी बात करे कि साहब आप जरा देख लेना हाँ हो सकती है ये बात नहीं हो सकती है तो उसकी क्या चर्चा करेंगे। ये जो हमारी भूमिका हमारी श्रेणी है वो पाप पर विचार करने की है ही नहीं। हमको भी अनाधिकार से जो कुछ थोड़ा बहुत पाप चला आया है कहते हैं वो विचार का विषय नहीं है वो तो एकदम नष्ट भ्रष्ट करने की वस्तु है इसलिए उस पर कुछ विचार नहीं करना वो तो विष्कुंभ है उसका विचार करने का क्या प्रयोजन है जब उसका भी तो विचार करो कुछ वो जो पाप परिणाम होता है उसका हम चर्चा मोक्ष की करते हैं इसलिए उसका विचार नहीं होता क्योंकि मोक्ष के लिए उसकी कोई भूमिका नहीं है मुक्ति में वो बिल्कुल काम नहीं आता है मुक्ति के लिए उसकी निमित्तता तक तो नहीं है तब हम उसका क्या विचार करें इसलिए वो तो विचार का विषय हो ही नहीं सकता क्योंकि वे तो प्रथमी त्याग योग्य है और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि है वे सब अपराध रूपी विष के दोष को कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ में ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है कि द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि है वे सब अपराध रूपी विष के दोष को कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है। अपराध रूपी जो अपराध का पापरूप जो अप्रतिक्रमण आदि के हैं हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह ये है ना सारे पाप रोगमान माया लोग तीव्र रोगमान माया लोग इत्यादि जितने भी पाप परिणाम हैं तो उनको ये जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है वे कम करते हैं पाप को कम करते हैं नहीं बहुत बुरा प्रोगमान तो भविष्य में मैं कम करने की चेष्टा करूँगा ये भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा उसको कम करने में समर्थ हूँ कितना सुंदर लिखा है
जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमणादी है वे सब अपराध रूपी जिसके दोष को क्रमशः कम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है, क्योंकि यह नहीं करेंगे तो दोष का अभाव ही नहीं होगा। इसलिए यह प्रथम दोष का अभाव करने के ध्येय से करने लायक है। पहले क्या करना, पहले जो रास्ते में कहीं गिर जाए ना तो चोट आ जाए तो उस समय क्या करना, वहां क्या करना, तो वहां तो कोई औषधि आदि तो नहीं है और रक्त बह रहा है तो इसे रुमाल बांध देना सकते, इलाज हो गया नहीं, बांधना नहीं बांधना, इलाज नहीं हुआ, क्यों बांधना, कि उस रक्त का जाना कम हो जाएगा, रुकेगा नहीं पर कम हो जाएगा, इतना का इलाज तो नहीं है, ये इलाज नहीं है, ये करना नहीं करना, और ये ना करे तो, ये नहीं करे तो क्या हो, वो तो मर जाएगा ना, ये अगर नहीं किया जाएगा तो जो रक्त का प्रवाह होगा तो वहां इलाज तक ले जाते तो वो मर नहीं जाएगा, इसलिए पहले ये करना फर्स्ट स्टेज। ये प्रतिक्रमण आदि क्या है, ये फर्स्ट स्टेज घायलों और बीमारों की पहली सहायता, उसको क्या कहा आपने यहाँ, पुण्य, घायलों और बीमारों की पहली सहायता का नाम पुण्य, आठ प्रकार का प्रतिक्रमण आदि वो कम करते हैं पाप को, इसलिए उनको अमृत कुंभ कहा। तो किसी ने ऐसा कर दिया ना, कोई गिर गया उसको खून का प्रवाह होने लगा और किसी ने उसको रुमाल कसकर बांध दिया तो डॉक्टर क्या बोलेगा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुमने बहुत अच्छा किया, जब मैंने बहुत अच्छा किया तो अब कुछ बाकी आप करोगे, अभी बाकी तो सभी है तो मैंने बहुत अच्छा कैसे किया, तुमने बहुत अच्छा किया, तो क्या कहते हैं उसको कि तुमने कम अच्छा किया, ये बोल, अच्छा बोलकर बताओ तो जरा आप लोग, वो बहुत अच्छा था नहीं था तो क्या बोलना, फिर तुमने किया तो सही लेकिन कम अच्छा किया, क्या बोलेंगे, वो यदि विष कुंभ है तो इसको क्या कहेंगे, कम विष कहेंगे इसको, अमृत नहीं, ये जो पुण्य रूप है सबके सब उनको अमृत कुंभ इसलिए कहा क्योंकि ये अमृत तत्व तक ले जाने में निमित्त हो सकते हैं। अगर कोई अमृत की ओर जाए तो उसको यह करना ही पड़ेगा, यह न किया जाए तो वो अमृत को प्राप्त वहां तो नहीं पहुंच सकते, इसलिए इनको अमृत कुंभ कहा। तथा भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादि से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को ये द्रव्य प्रतिक्रमणादि अपना कार्य करने को असमर्थ होने से विपक्ष कार्य करते होने से विष कुंभ ही है। हो गया फैसला, फैसला हो गया नहीं, ये द्रव्य रूप जो प्रतिक्रमण क्यों का था, ये तो परिणाम है शुभ भाव है, ये तो शुभ भाव है ना, प्रतिक्रमण द्रव्य रूप मैंने इसमें त्याग होता ना, द्रव्य का त्याग होता नहीं, इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों का इनका त्याग होता ना, तो तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादि से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका को न देखने वाले पुरुष को ये दोनों के दोनों अपराध हैं, दोनों अपराध। अगर उसने तीसरी भूमिका का स्पर्श नहीं किया, अगर उसने दूसरी भूमिका जो प्रतिक्रमण की अमृत कुंभ रूप है पुण्य रूप, उसको उसने उस अप्रतिक्रमण अर्थात उस सर्व संपूर्ण शुद्धि के लक्ष्य से स्वीकार नहीं किया तो वो भी विष्णु है, ये क्या फायदा है, गोमालवान ने क्या फायदा हो, ये बांध तो दिया और क्या करें, क्या फिर बाद में क्या कहेंगे वो कहने वाले, अरे रुमाल बांध के हॉस्पिटल ले जाता, हॉस्पिटल गए ले जाता, बांध तो दिया, लोगों का बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे के बाद क्या बचता है, ये तेने बहुत खराब किया, तूने सब सत्यानाश कर दिया, बोले सत्यानाश कर दिया, अच्छा किया, ये सब सत्यानाश कर दिया, सब खराब हो गया,
तो इस तरह ये प्रतिक्रमण जो स्वीकार किया गया है वो इस प्रतिक्रमण के अभाव रूप जो शुद्ध दशा है, शुद्धात्म तत्व दशा नहीं बल्कि शुद्धात्म तत्व है, उसके लक्ष्य से स्वीकार किया जाए तो इसको व्यवहार शास्त्रों में, आचार शास्त्रों में अमृत कुंभ कहते थे। यही रुक जाए तो दोनों के दोनों बहुत खराब किया। निष्कुंभ घर से स्नान करके आवे ना, मंदिर में पूजा करना हो घर से स्नान करके साफ वस्त्र पहन के आते हैं, साफ वस्त्र नहीं पहन के आते, जैसे ही उठते आ जाते हैं लुंगी पहन के साफ पहन के आते हैं, फिर यहाँ आगे क्या करते हैं गाजी लाल जी क्या करवाते हो, ये कह रहे निरत शुद्ध हुआ है। नाना पड़ता है नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो शुद्ध होकर आए हैं वो अशुद्धि है, इसलिए यहाँ की जो शुद्धि है वो उस शुद्धि के अभाव रूप है। तो उस शुद्धि का अभाव करना अर्थात अशुद्धि, उसका नाम शुद्धि। चुनाव तो इस तरह ये आठ प्रकार के जो प्रतिक्रमणाधिक हैं इनको शुद्धात्म परिणति में धोया जाता है, प्रक्षालित किया जाता है, स्नान किया जाता है, क्योंकि ये विषकुंभ हैं सचमुच। यहाँ तक अगर कोई ठहर जाए तो भी संसार में उसी तरह रुलेगा जैसे पापू पर प्रतिक्रमण वाला रुलता है, पूरी इसी तरह रुलेगा। उसको संपूर्ण अशुद्धि कहते हैं कि अपने घर से स्नान करके आते हैं वो तो संपूर्ण अशुद्धि है नहीं, या थोड़ी बहुत शुद्धि संपूर्ण अशुद्धि, उस शुद्धि का अभाव उसका नाम अशुद्धि, अशुद्धि अर्थात परम शुद्धि।